आज हम बेसिकली एक और नए कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इस कोड को हमारे आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सो द कोड है, द बेस्ट गवर्नमेंट इज वन दैट टीचेस अस टू गवर्न आवर सेल्फ। यहाँ पे बात हो रही गवर्नमेंट की कि बेस्ट गवर्नमेंट क्या हो सकती है, राइट। सो द बेस्ट गवर्नमेंट इज वन दैट टीचेस अस टू गवर्न आवर सेल्फ मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जो बेस्ट हो सकती है जो बेसिकली इंडिविजुअल पर्सन या फिर पब्लिक की बात कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं उसको सिखाती है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे गवर्न करना है। गवर्न इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन दीजिए, कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर एक आइडियोलॉजी को मेंटेन कीजिए और किस तरीके से आइडियोलॉजी को मेंटेन करते हुए या अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, वही होती है बेस्ट गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पे इस गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, उसकी वर्किंग को भी बताने की कोशिश की गई। तो हमारे आंसर राइटिंग के अंदर जब भी केस स्टडी या किसी क्वेश्चन के अंदर गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाए या कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए या गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे हम इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोड को इस्तेमाल करते हुए हम समझा सकते हैं कि हमेशा गवर्नमेंट ही बेस्ट हो या गवर्नमेंट ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी निभाए, ये जरूरी नहीं है। यहां पे इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर गवर्नमेंट लोगों को अपने आप को गवर्न करना सिखा सकती है तो वहां पे वो गवर्नमेंट बेस्ट कहलाएगी, क्योंकि वहां पे एज ए टीम वर्क के तौर पे या कोऑर्डिनेशन दिखता है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सा मीनिंग था इस कोड का, और ऐसे अमेजिंग शॉर्ट्स के लिए, अमेजिंग डिकोड द कोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।